हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी तो लॉकडाउन है तो हम लोग घर पे हैं, तो इस लॉकडाउन के दौरान हमारी कोई रोड ट्रिप नहीं हो रही है। तो फ़िलहाल मैं अपने पुराने रोड ट्रिप्स की वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोगों ने की हैं, बेस्ड ऑन सम फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस दैट वी हैव। अब हैदराबाद हम लोग पटना से गए थे लास्ट ईयर मार्च में। पार्ट वन में मैंने आपको पटना से बछेली टाउनशिप का जो है रूट है वो दिखाया। अब आज की इस वीडियो में मैं बछेली टाउनशिप जो कि दंतेवाड़ा के पास है वहाँ से हैदराबाद का रोड ट्रिप दिखाने जा रहा हूँ। इस रोड ट्रिप में हम लोगों ने सुकमा और भद्राचलम जैसे एरिया को क्रॉस किया था, और जैसा कि आपको पता है कि सुकमा जो है वो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे मॉर्निंग से ही इस ट्रिप के लिए, और थोड़ा सा डर भी था अंदर से, बट वहाँ के लोकल लोगों से बात करके और अपने भाई से बात करके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह CRPF के कैंप हैं और एरिया पूरा सेफ है दिन में ट्रैवल करने के लिए। तो चलिए आपको हम लोग अपने साथ छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया से होते हुए हैदराबाद ले चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो बछेली से हैदराबाद जाने के लिए जो हम लोगों ने रूट लिया दैट वाज वाया सुकमा एंड भद्राचलम। ये डिस्टेंस करीब 550 किलोमीटर है और बछेली से हम लोग स्टेट हाईवे 5 पकड़ करके भंसी होते हुए सुकमा पहुँचे। फिर सुकमा से हमें NH-30 मिल गया और NH-30 से हम लोग कोंटा पहुँचे जो कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। फिर वहाँ से हम लोग कंटिन्यू किए आगे और गोदावरी नदी क्रॉस किए, और गोदावरी नदी क्रॉस करने के बाद काफ़ी सारे छोटे शहरों से होते हुए हम लोग खम्मम पहुँचे, और खम्मम से फिर हम लोग सूर्यापेट आए जहाँ हमें वारंगल से आने वाला 4-लेन हाईवे मिल गया, और उस हाईवे से फिर हम लोग वहाँ से करीब 2 घंटे में हैदराबाद पहुँच गए। तो हम लोग सुबह करीब 8:30 बजे निकले बछेली टाउनशिप से, और अभी हम लोग SH-5 पर सुकमा की तरफ जा रहे हैं। सामने लगा ये बोर्ड हमें बता रहा है कि हम लोग दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर चुके हैं, और रास्ते में हम लोग एक माइलस्टोन पर रुके। यहाँ से सुकमा ओनली 14 किलोमीटर्स था। नाम सुन के ही जो है हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि हम भारत के किस पार्ट से गुजर रहे हैं। एंड देन वी कंटिन्यूड। कि 11 बजे के आसपास हम लोग सुकमा क्रॉस किए, और सुकमा से कोंटा जाने वाला ये जो रोड है इसे गौरव पथ का नाम दिया गया है। कोंटा यहाँ से 76 किलोमीटर है। नाउ ये जो रोड है ये छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरता है। काफ़ी सुनसान हाईवे है, और इस हाईवे के बनाने के पीछे भी अपनी कहानी है। इसको काफ़ी साल लगे हैं और इसमें CRPF के कई जवान भी शहीद हुए हैं, और इस हाईवे पर आपको टेरर साफ दिखेगा। हर 5 किलोमीटर पे CRPF का कैंप है और इसकी दिन रात निगरानी होती है। करीब 1.25 घंटे के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुँचे और कोंटा नाम की जगह पर हम लोग आंध्र प्रदेश में इंटर कर गए। अब आंध्र प्रदेश में इंटर करने के बाद सड़क बिल्कुल बदल गई, सीमेंटेड रोड की जगह नॉर्मल टारमैक वाली रोड थी, और आंध्र प्रदेश में अगेन रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और हमें ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद एक थोड़ा सा सुकून का भी एहसास था, और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों ने भद्राचलम के पास गोदावरी नदी को क्रॉस किया, और उसके बाद कोथा गुदेम करके एक छोटा सा शहर आया। हम लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हल्का फुल्का चाय और स्नैक्स के लिए, और फिर आगे बढ़ चले।
और करीब दिन में 1:30 बजे खम्मम के पास हमने एक छोटे से ढाबे पर लंच किया, क्योंकि उस एरिया में आसपास हमें कोई अच्छा ढाबा मिला नहीं। रास्ता काफ़ी अच्छा था और हम लोग रास्ते में काफ़ी रुक रुक कर चल रहे थे, फोटोग्राफ्स लेते हुए चल रहे थे। और फिर हम लोगों ने करीब दिन में 3 बजे खम्मम क्रॉस किया। खम्मम से सूर्यापेट तक का रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। फिर सूर्यापेट से हमें 4-लेन हाईवे मिल गया और हम लोग करीब 2 घंटे में शाम को 5:30 बजे हैदराबाद पहुंच गए। तो ये हमारा ट्रिप रहा फ्रॉम बछेली टाउनशिप टू हैदराबाद। अगले 2-3 दिन हम लोग हैदराबाद घूमे और फिर वहाँ से हम लोग वापस अपने होम टाउन रांची के लिए निकल पड़े। तो वो रोड ट्रिप मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।